विश्व प्रसिद्ध शीतलष्ठी यात्रा पाई पूरा उत्सव मुखर संबलपुर सहर अपेक्षार अंत घटी आसंता काली होउछि देवदेव महादेव एवं मां पार्वती विवाह तो देखी पार्थिवे जे किभली भाबरे प्रस्तुति वर्तमान समय रे चुडांत पर्याय रे पहुंची जाइछि काली कि काई कि ना काली बाहाघर अछि एवं देखी पार्थिवे जे नंदपड़ा यात्रा कमिटी रे वर्तमान आमे अछु एवं जहाँ रही चलित बर्षर प्रज्ञापन मेढ़ गुड़िक वर्तमान समय रे पूरा रेडी हो सारी देखी पार्थिवे ये जहाँ दृश्य देखु शिवाजी एवं कांतारा एवं नटिया गेंडु एवं नंदी विभिन्न प्रकार प्रज्ञापन मेढ़ वर्तमान समय रे आपण माने देखी पारुथिबे एवं विभिन्न नुआ नुआ जदि कहबा सबु वर्ष शीतलष्ठी रे किछि ना किछि नुआ जिनस देखिबा पय मिलिथाय ठीक से भली भाबरे छोटरु बड़ समस्तंकर इच्छा आग्रह को दृष्टि रखी विभिन्न शीतलष्ठी यात्रा कमिटी माने करी थांती आयोजन तो आसंता काली होची माँ पार्वती एवं देवदेव महादेव विवाह आज्ञा बहु प्रतीक्षित थिला ये देवदंपति को विवाह देखिबा पई समस्त बेस उत्साहित मध्ये थिले पत्रपेंडी सरी जाइछि नरसिंह न्यूता सरी जाइछि आज मध्ये अन्य पड़ा मानकरे हनुमान न्यूता अछि गुआगुंडा अछि कौन कहिबे काली बाहाघर रहिछि काली कौन कौन रही थाए माने कौन कौन करा जिवा बाहाघर केमथि हो मोर नाम तो हूँ पंडित शशांक शेखर मिश्र संबलपुर रनपड़ा शीतलष्ठी यात्रा रो मुख्य पुरोधा 24/5/2023 आमर शिव विवाह तो आसंता काली सकाळे 8:00 गत वर्ष जी बाहाघर करथिले गिरीश पटेल सेमाने काली सकाळे 8:00 आमर मंदिर को आसीबे तांकर झियो झियोई को पाछडी तांको घर को नेबे तांकर घर रे माने गोठाल पिठा कार्यक्रमटा हबो गोठाल पिठा कार्यक्रम सोइगला परे सेमाने आसीगिरी आमर मंदिर रे महाप्रभु को छाड़ी देबे तापर शिव पार्वती मंदिर रे अन्न भोजन करिवे अन्न भोजन कला परे ए वर्ष जो माने बाहाघर करुजन जी पार्वती माता पिता राजेन्द्र प्रसाद नंद एवं सुलोचना नंद मंदिर को 12:30 to 12:30 भितर आसिकी तांकर झियो को पाछटी की नहीं घर को जीवे जगन्नाथ कॉलोनी बासी ये को तापर आमर मंदिर रे आमर माने रुद्राभिषेक हबो रुद्राभिषेक सोला बेलू आमको 4:00 हबो तातर इटे तो महाप्रभु सजबस होते सन्ध्या 7:00 समय आम मंदिर रु पार्वती घर को आम जीव दधिमाछ पिंधाणी कर दहीवाच भी जाने सरीगला पार्वती मैंने घरे महादेव को आसबे निमंत्रण पिंधाणी कर निमंत्रण पिंधाणी सरीगला महादेव राति 10:00 to 11:00 भितर से बरात बाहर बरात बाहर आमर मानने प्रशासन नहीं कि जगन्नाथ कॉलोनी को जीव जगन्नाथ कॉलोनी घर पाखे आम बाटवरण करूँ बाटवरण कर सारापर से बेदी को जी बेदी में आमर प्रथम वरण अधिवास कर्म तापर सौराघ्य कर्म द्वितीय वरण महावाक्य कन्यादान हम कन्यादान सरपर आम हवन हम हवन सरीगला गोटे शीतल टुंडी भोग लगिकी आमर आलती हम आलती सरीगला आमर तमाम बहुत कार्यक्रम मानने संपूर्ण हम निहाती शुणुले पूजक रही कालीर जहाँ रही केमती बहुत हम शिव पार्वती से कहते आगे प्रतिक्रिया ना देखी पार्थे ये जो देखुं वर्तमान समय सुंदर सुंदर प्रज्ञापन मेढ़ गुड़िक देखुं छोट पाई नटिया गेंडु कार्टून आपस्ते जानते वर्तमान समय ट्रेंड रे रही छोट पाने बहुत पसंद कर देखापी तो से दृष्टि छोट पाई खासकर ये व्यवस्था कर नंदपड़ा शीतलष्ठी कमिटी पक्षरु निहाती प्रतिक्रिया मध्ये नबा जे आज्ञा आपण माने कोठु आसथिले शिल्पी कुंभार साई कटक रु आसथिले एठी शीतलष्ठी यात्रा पई बहुत सुंदर हे छी आमे देखु छु आपण को केते खुशी लागु छी शीतलष्ठी हम तो बहुत बलचे हमर तो परंपरा आगुरु बापा करथिले आसे कि आमे भी करूछु तापर जो मूर्ति भी करचंती तांकर भी बापा आसंती करिया पई से भी करचंती तो बहुत रिस्पेक्ट मिलु छी बहुत किछि कटक अपे के बहुत भले रिस्पोंड निहाती कोन कोन करा जाई छी चलियो निहाती देखी पार्थिवे जे सीधा सड़क भाव देखुं प्रतिक्रिया नबा जे कहीं ये देखे पूरा जीवन तो देखी पार्थिवे नटिया गांडु को देखिले के कही पारे नहीं जे ये बनाई आपण भाविबे जे सतरे आसी कार्टून माने ठिया हो जाइछन्ती एठारे कौन कहिबे आज्ञा केते खुशी लागछ प्रत्येक वर्ष भली ए वर्ष बहुत आनंद मु अछि बहुत खुशी अछि यदि व्यक्तिगत भाव में मते पचारछन्ती आउ छोट छोट पिला मन तो बहुत खुशी अच्छे कहीं आम कम कर अवस्था बहुत छोट छोट पिला आसी देखिक नटिया गांडू को देखी खुशी होती तो मन लाख गोटे प्रज्ञापन मेढ़
ନିହାତି ଭାବରେ ନିହାତି ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ନିଜକୁ ସାମିଲ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଯିଏ ଦେଖିବା ଲୋକଠୁ ଆପଣ ବେଶୀ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କାମ କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ଏନ୍ଜୟ ନ କଲେ କାମଟାକୁ ଯେତେ ଏନ୍ଜୟ ଭାବି କାମ କଲେ ଆମ କାମଟା ସକ୍ସେସ୍ ହେବ କାମକୁ କାମ ଭାବିଲେ କେବେ କାମ ହେଇପାରିବନି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ବି ଆମେ ଆଗରୁ ଦେଖୁଥିଲୁ ଏବେ ବି ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ଧରଣର ହେଉଛି ଆଉ ଭଲ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ଏ ବର୍ଷ ନିହାତି ଭାବରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବେଶ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା କାହିଁକି ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୂଆ ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଖାସ କରି ଶିବ ପାର୍ବତୀ ରୂପାର ପ୍ରଭାରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏବଂ ଯଦି କହିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ରାତି ପାହିଲେ ଶିବ ବିବାହ ଦେବଦମ୍ପତିଙ୍କର ବାହାଘର ହେବ ତାପରେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ବଲପୁର ସହରବାସୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅଣୁକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ଯେ ଦେବଦମ୍ପତିଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ବାହାଘର କାଲି ସରିବା ପରେ ତାପରେ ନଗର ପରିକ୍ରମା ରହିଛି ଏବଂ ଏ ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ସହରବାସୀ ତା ସହିତ ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରୋହିତଙ୍କ ସହ ଶୁଭଶ୍ରୀ ବାରିକ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।